हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईटी एक्सप्लेन्स। तो गाइस, कैमोडोस के नेक्स्ट सेशन में हम आगे कुछ कमाल का टॉपिक लेके। आज अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर लगा रहे हो, बार बार एक सवाल पूछा जाता है, भैया बॉन्ड लेंथ कैसे इक्वल हो जाता है पीएफ 5 के अंदर या मेटल कार्बोनल्स या मेटल कार्बोनल हाइड्राइड के अंदर। मतलब भाई साहब, एक ऐसा टॉपिक जिसको मैंने पर्सनली देखा है बच्चे रटना ज्यादा पसंद करते हैं। बॉन्ड लेंथ कैसे पीएफ 5 में इक्वल है, बाकी में कैसे इक्वल है, पीसीएल 5 में अनिकोल कैसे है, गैसियस फेज में, तो भाई क्या है एक्चुअली सूडो रोटेशन, उसको हम जानेंगे, मचाएंगे। छोटी सी वीडियो है, बड़ी तीखी मिर्ची सी लगेगी और एकदम जाके टू द स्पॉट, एकदम टू द स्पॉट पे जाके फिट होगी। तो तैयार रहना, पूरे एनर्जी जोश रिदम जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 और 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। कुछ बहुत ही बूम बूम प्रोडक्ट आएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कमाल के सवाल के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूडो रोटेशन। गाइस, आप कोई भी बुक पढ़ते होगे, कोई भी मॉड्यूल पढ़ते होगे, इंडिया के अंदर कैसा भी बुक हो जो कि केमिकल बॉन्डिंग पे लिखी गई हो, जो जेई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की होती है, वहां पर ये वर्ड देखने को मिलता है सूडो रोटेशन। और गाइस, हम क्या करते हैं, बस रट्टा मार लेते हैं कि PF5 एक एक्सेप्शन है। बट गाइस, साइंस में एक्सेप्शंस नाम की कोई चीज नहीं होती। जब हम किसी चीज को समझा पाने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं, तब हम इस तुच्छ वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। बट हर किसी एक्सेप्शन के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। सूडो रोटेशन क्या है? वैसे तो आपको जनरली ये बंदा दिखता होगा बुक के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, लेकिन गाइस मैंने यहां पे थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल लेके चीजों को ज्यादा एम्पलीफाई और ज्यादा डिटेल कर दिया है, ताकि भविष्य में अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है सूडो रोटेशन पे, तो फ्यूचर में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो बिल्कुल तैयार है ना, रहिएगा, समझते हैं गाइस। सबसे पहले यहां जिस वर्ड का यूज किया गया है, इसको गाइस हम बोल रहे हैं सूडो रोटेशन। दिस इज नोन एज सूडो रोटेशन, या गाइस हम इसको बोलते हैं बेरी मैकेनिज्म, या हम इसको बोलते हैं बेरी मैकेनिज्म। बहुत रिसेंट है, 1960 में दिया गया है बेरी मैकेनिज्म। या इसको गाइस बोलते हैं बेरी रोटेशन, या इसको बोलते हैं बेरी रोटेशन, या गाइस इसको बोला जाता है बेरी सूडो रोटेशन। बात एक ही है, नाम अनेक है, बेरी सूडो रोटेशन। जैसा कि गाइस आप इसके नाम में देख पा रहे हैं, कुछ कमाल की चीज दिख रही है, कोई ना कोई चीज मूव कर रही है, कोई ना कोई चीज चल रही है, डायनेमिक है, ये कोई स्टैटिक फेनोमेना नहीं है। जी हाँ, एक डायनेमिक फेनोमेना है। अब क्या रोटेट करता है, हम सबसे पहले उसको समझेंगे क्या रोटेट करता है। तो गाइस, सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन जो ऑब्जर्व्ड होता है, जब आपका स्टेरिक नंबर 5 होता है, क्या होता है, जब आपका स्टेरिक नंबर 5 होता है, तो गाइस ये ऑब्जर्व होता है। इसमें होता क्या है, यहां पे गाइस अगर आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होती है, और स्क्वायर पिरामिडल फिर से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कन्वर्ट होता है, और इसी चीज को गाइस हम बेरी मैकेनिज्म या बेरी सूडो रोटेशन के नाम से जानते हैं। शायद आपको देख के थोड़ा अजीब सा लगे कि सर बाकी में नहीं होगा क्या, नहीं गाइस, बहुत सारे और भी केसेस हो सकते हैं जहां पे बेरी मैकेनिज्म हो, बट उसकी जो बेरी बैरियर होती है, जो एनर्जी होती है उसको चलाने के लिए, वो काफी ज्यादा डिमांडेड होती है। हम उन केसेस की बात करेंगे जो कि ऑर्डिनरी टेंपरेचर पे, ऑर्डिनरी कंडीशंस में बेरी रोटेशन दिखाते हैं। संयम रखो, सब समझ में आएगा, थोड़ा इंतजार करो। सबसे पहली चीज गाइस क्या है, समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। बिल्कुल मैं आपको एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं जो आपको जनरली दिखता है। क्या दिखता है आपको, तो गाइस PF5 बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है। यहां पे गाइस क्या होता है समझिएगा, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और ये रहा फ्लोरीन। मेक श्योर गाइस आप इस बात को कॉपी में जरूर नोट करें कि ये जो बेरी मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, गैस फेज में बात कर रहे हैं, ना कि सॉलिड फेज में, बिकॉज सॉलिड फेज में फिर आयनिक बॉन्ड्स आपके पास हो सकते हैं, दिक्कत हो सकता है। कोई और केसेस अगर हम ले लें, तो इन केसेस में आयनिक भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट सकता है। That's why make sure जब भी आप pseudo rotation की बात करें, gas phase को जरूर scene में ले आएं। ठीक है? अब समझते हैं guys। इन bonds को बोला जाता है equatorial bond। क्या बोला जाता है? Equatorial bond। और ये bond guys क्या कहलाते हैं? Axial bond कहलाते हैं। होता है क्या guys? अगर मैं एक bond को पकड़ लूँ, रोक के रख लूँ, इसको axis मान लूँ, इसको बोलते हैं pivoted bond। Pivoted bond, ये pivot है जिसके through अभी कुछ rotation होएगा। तो guys होता क्या है? ये जो axial equatorial है, ये ligand
एजेंट के बीच में ट्रांसफर होता है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे में स्विच करते हैं गाइस, और स्विच करने के बाद देखिए ये फास्फोरस है, ये फ्लोरीन है, इसको आप वैसे ही रखिए जो पिवोटेड था, और गाइस यहां से हो गया एक फ्लोरीन, यहां से दूसरा फ्लोरीन, यहां से फ्लोरीन और यहां से फ्लोरीन। अब गाइस अब बहुत ध्यान से देखें जो ये स्विचिंग हुई है, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपको ऐसी स्विचिंग दिख रही है, ऐसी स्विचिंग दिख रही है, ध्यान से देखिए ये स्विचिंग आपको कैसे दिख रही है, कैसा दिख रही है गाइस। जी हां, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल में चला गया, आफ्टर दैट गाइस फिर से इंटरचेंज करेगा और अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाएगा, और वो पुराना वाला फॉर्म क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ये रहा एफ, ये रहा एफ, ये रहा एफ और ये रहा एफ। तो गाइस यहां पे जो एक इंटरचेंज देखने को मिली, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल, देन अगेन स्क्वायर पिरामिडल से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसी को गाइस बोला जाता है सूडो रोटेशन या बेरी मैकेनिज्म। Now guys, अब आपको ये समझना है कि ये कब हो सकता है। तो guys याद रखिएगा, अगर हम बेरी रोटेशन की बात करते हैं तो यहां पे दो केसेस होना चाहिए। पहला तो सेंट्रल एटम आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेंट्रल एटम आपका छोटा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लीगेंड्स होते हैं जो कि इंटरचेंज हो रहे हैं, लीगेंड्स कहने का मतलब ये जो इंटरचेंज हो रहे हैं एक्सियल इक्विटोरियल, ये भी आपके पास छोटे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। बोले तो जैसे फ्लोरीन में काम कर सकता है, बोले तो जैसे कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब लिगेंड के जैसा काम करते तो भी ये नजर आ सकते हैं। तो गाइस बेरी रोटेशन के लिए कुछ शर्तें थी। ये जो चीज गाइस आप देख रहे हो ना, इसके लिए क्या होता है आपको मैं बता दूं। पहली बात, आपको लग रहा होगा ये स्विचिंग आराम से चल रही, जी नहीं गाइस, इस स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी 10^6 साइकिल पर सेकंड की होती है। आप समझ सकते हो ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जब ये स्विच कर रहा है, और कितनी एनर्जी चाहिए, मात्र 3.6 किलो कैलोरी पर मोल, ओनली 3.6 किलो कैलोरी पर मोल पे ही स्विचिंग हो पाती है। अगर आप के जगह क्लोरीन रख देंगे, ब्रोमीन रख देंगे, स्विचिंग आप भूल जाइए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा बैरियर हो जाएगा, आप स्विच नहीं कर पाएंगे। ये तो मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज दिया, सवाल बनाने के लिए ना आपको इतना नहीं भी आता है ना तो भी काम चल जाएगा, शांति रखो। देखो मैं बताता हूं कैसे। तो ये आपको बेरी मैकेनिज्म, बेरी रोटेशन समझ में आ गया कि 3.6 किलो कैलोरी नॉर्मल एनर्जी पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है। तो अब देखो, अगर ये बॉन्ड आपस में रोटेट हो रहे हैं तो एक्सियल इक्विटोरियल आपस में अदला बदली कर रहे, रेजोनेंस जैसी फेनोमेना है ना, इसीलिए गाइस गैसियस फेज में क्या होता है, PF5 के ना ऑल बॉन्ड इक्वल होते हैं, PF5 के ऑल बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, लगभग में एक समान होती है, हम गैस फेज की बात कर रहे हैं। तो छोटा एटम होना चाहिए जिसका आप इंटरचेंज कर रहे हैं, मेक श्योर ये बात आप दिमाग में रखें। PCl5 के केस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, PBr5 में इम्पॉसिबल है, और बाकी तो तुम समझदार हो। चलिए समझते अब केसेस, केस एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है क्या, PF3Cl2। देखिए गाइस, तो आपको पता है ये स्ट्रक्चर, आप चेक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आप देख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, निकाल के देख लेना, सब के सब sp3d है, और यही आपको जनरली नजर आएगा बेरी मैकेनिज्म में। ठीक है गाइस, आप समझिए, तो हम सबसे पहला केस लेते हैं PF3Cl2। तो गाइस ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। आप बेल्ट रूल से जानते हैं, उस पर हमारी वीडियो है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एक्सियल को ऑक्यूपाई करता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इक्विटोरियल पे रहता है। क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो ये कहां पे रहना पसंद करेगा, इक्विटोरियल पे, और बाकी फ्लोरीन एक्सियल पे। अब बताइए गाइस, क्या यहां पे स्विचिंग पॉसिबल है, क्या यहां पे क्लोरीन और फ्लोरीन की स्विचिंग पॉसिबल है? आंसर है नो, दिस इज इंपॉसिबल, बिकॉज मैंने पहले ही बोला फ्लोरीन के केस में स्विचिंग हो सकती है। तो हम यहां जो इक्विटोरियल और एक्सियल है, इक्विटोरियल और एक्सियल है, स्विचिंग नहीं कर पाएंगे, तो बेरी यहां पे सूडो रोटेशन नहीं हो रहा। आगे आइए, PF2Cl2 बिल्कुल देखेंगे, ये रहा P, कितने क्लोरीन है देख लीजिए, तीन क्लोरीन है, तीन क्लोरीन, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, दो फ्लोरीन है। अगेन गाइस आप बताओ, क्या यहां पे जो लिगेंड्स है फ्लोरीन और क्लोरीन, क्या स्विचिंग पॉसिबल हो पाएगी? आंसर है नो, यहां पर भी स्विचिंग नहीं होगी, बिकॉज क्लोरीन के साथ स्विच नहीं होता है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे इसलिए एक्सियल पे रखा, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव थे इसलिए इक्विटोरियल पे रखा। इज इट क्लियर गाइस?
बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल है। जी नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, अगेन फेल हो गया। आगे आते हैं PCL5। गाइस PCL5 के बारे में क्या ही बोलना है, अभी अभी मैंने आपको समझाया, ये रहा PCL5। यहां पर किसी भी तरह का बेरी मैकेनिज्म ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होता है। ये जो लिगेंड्स है ये आपस में स्विच नहीं करते हैं, सो यहां पर भी आपको बेरी मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है। PF5 का तो मैंने एग्जांपल ही लिया, जी हां बिल्कुल दिखता है। ओ माय गॉड, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, कमाल का मॉलिक्यूल है PF4CS3। अगर गाइस आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा फास्फोरस, ये रहा मिथाइल, और गाइस ये रहा आपका फ्लोरीन, ये रहा आपका फ्लोरीन, और गाइस यहां से रहा फ्लोरीन और यहां से रहा फ्लोरीन। गाइस ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं PCH3, ये गाइस आपका पिवोटेड बॉन्ड है, दिस इज पिवोटेड, इसी पिवोट के थ्रू चीजें रोटेट होती हैं, ये इंटरचेंज करता है, ये इंटरचेंज करता है, एक्सियल इक्विटोरियल इंटरचेंजिंग, इक्विटोरियल एक्सियल इंटरचेंजिंग। यस गाइस, कमाल का बड़ा खूबसूरत सा शानदार प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है PCS3। इसमें कमाल का मैकेनिज्म काम करता है गाइस, और ये बहुत आसानी के साथ रोटेट कर जाता है कुछ ऐसा, यहां से यहां से यहां से, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन, चार, और ये पिवोटेड CS3 है। ध्यान से देखिए कितना प्यारा सा स्क्वायर पिरामिडल में ये कन्वर्ट हो गया है, तो बहुत बढ़िया काम करता है इस मॉलिक्यूल में। ये बिल्कुल नई मॉलिक्यूल आपको दिख रही है, आपने रट्टा मारा होगा PF5 का, मैकेनिज्म बता दिया, लॉजिक भी बता दिया, जी हां काम कर रहा है। ओ हो, वोलाटाइल आयरन पेंटाकार्बोनाइल, गजब का कंपाउंड है, और गाइस अभी अभी मैंने बोला है आपको कि FeCO5 में काम कर सकता है। ये रहा CO, ये रहा CO, ये रहा CO, ये रहा CO, ये रहा CO। अगर हम इसको पिवोटेड बॉन्ड मान लें तो यहां जो इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल है, और जो एक्सियल एक्सियल है, जी हां गाइस इंटरचेंजिंग कमाल की हो रही है, और बहुत आसानी के साथ ये भी स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये रहा आपका आयरन, पहला रहा C ट्रिपल बॉन्डो, यहां से ले लीजिए C ट्रिपल बॉन्डो, और यहां से गाइस हो गया C ट्रिपल बॉन्डो। देख लीजिए गाइस कमाल का स्क्वायर पिरामिडल बनता हुआ नजर आ रहा है। यस गाइस, FeCO5 में भी कमाल का काम करता है। नाउ दिस इज व्हाट गाइस, ये कमाल का कंपाउंड है, आपको पता है ये एसिडिक होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से ज्यादा देखा गया है, 8.75 या 8.6 तक इसका पीके वैल्यू है। आप बोलोगे ओ माय गॉड कैसे, दिस इज कोबाल्ट टेट्राकार्बोनाइल हाइड्राइड, व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कोबाल्ट टेट्राकार्बोनाइल हाइड्राइड। गाइस यहां पर भी बवाल का सूडो मैकेनिज्म काम करता है, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये रहा CO, ये रहा हाइड्राइड, यहां से रहा सी ट्रिपल बॉन्डो, यहां से रहा सी ट्रिपल बॉन्डो, यहां से रहा सी ट्रिपल बॉन्डो, यहां से रहा सी ट्रिपल बॉन्डो। ये गाइस आपका पिवोटेड बॉन्ड है, और यहां जो इंटरचेंजिंग हो रही है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सियल एक्सियल, ये इसके साथ इंटरचेंज, ये इसके साथ इंटरचेंज हो रहा है। और गाइस देखिए देखिए जरा देखिए जरा इसकी खूबसूरती को समझिए, और साइंस से प्यार कीजिए, जेई तो झक मार के पीछे आएगा। CO यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, लेकिन यहां CO नहीं, यहां पर क्या है, हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड पिवोटेड बॉन्ड है। तो गाइस आपको समझ में आ गया किन-किन केसेस में बेरी मैकेनिज्म काम कर रहा है। PF3Cl2 फेल हो गया, PF2Cl3 क्लोरीन की वजह से फेल हो गया, यहां पर तो क्लोरीन की भरमार थी, बिल्कुल फेल हो गया। PF5 जिंदाबाद, PF4CS3 जय हिंद, FeCO5 फोर डालेंगे, HCOCO4 बवाल का है, मचा दिया ना भाई, मचा दिया ना। अब भी कोई डाउट है क्या बेरी मैकेनिज्म में, नहीं डाउट है ना, फोर डालो लाइक बटन को, शेयर कर दो, पहुंचा दो सब तक IIT एक्सप्लेन्स की मेहनत को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले केमिकल डोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमारे कोर्सेज अनअकैडमी पर भी है, कोड यूज करें IIT एक्सप्लेन्स, 10% का डिस्काउंट, और आप जुड़ जाएंगे। हैव अ नाइस डे।